ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर शहजाद है, मैं आरएमसी का ग्रेजुएट हूँ। मैंने 1995 में रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएशन की थी। उसके बाद मैंने अपनी इंटरनल मेडिसिन में पोस्ट ग्रेजुएशन पहले की, जिसको आप आम जबान में मेडिकल स्पेशलिस्ट कहते हैं। उसके बाद मैंने क्लिनिकल हीमाटोलॉजी में फेलोशिप अपनी कम्प्लीट की। मेरा ज़्यादा काम जो है मैंने मुल्क से बाहर ही किया। तकरीबन 18 साल मैं मुल्क से बाहर रहा और अब कुछ 2-3 साल से मैं मुल्क में वापस आया, और अब पाकिस्तान में आके मैं क्लिनिकल हीमाटोलॉजी और इंटरनल मेडिसिन या मेडिकल स्पेशलिस्ट की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। वैसे तो ये वीडियो रिकॉर्ड कराने का मकसद ये होता है कि मैं कुछ कॉमन डिजीज़ के बारे में आपसे बात करूँ, लेकिन आज मैंने जो पिछले 2-1 साल पाकिस्तान में काम किया है, 2-3 साल, उसमें मैंने ये फील किया कि आम लोगों को, इवन फिजिशियंस को ये नहीं पता कि क्लिनिकल हेमाटोलॉजिस्ट कौन सी डिजीज़ कवर करता है। तो मेरा ख्याल था कि लेट्स टॉक अबाउट दैट, कि हम एक आम लोगों में ये इंट्रोडक्शन ज़रूर दें कि एक क्लिनिकल हेमाटोलॉजिस्ट बेसिकली किन बीमारियों को देखता है एक्सक्लूसिवली और उनसे डील करता है। तो मैंने मोटा मोटा सा ये पॉइंट्स लिख के मैंने कहा आपसे बात करते हैं। उसमें सबसे जो अहम चीज़ है वो खून की कमी, एनीमिया को क्लिनिकल हीमाटोलॉजिस्ट बेसिकली देखता है। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। इसमें हीमोग्लोबिन के कम होने की एज के मुताबिक बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। बच्चों में कॉमन जो होती है वो हीमोग्लोबिनोपैथीज होती हैं, जैसे कि थैलेसीमिया हो गया, सिकल सेल डिजीज़ हो गई। जो नौजवानों में भी ज़्यादातर यही दो वजहें होती हैं, और इसमें एक ऐड ऑन वजह जो होती है ख़ास तौर पे बच्चियों में और ख्वातीन में, वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया आ जाता है। लेकिन ये थोड़ा सा टेक्निकल होता है कि जब आपने हीमोग्लोबिन आपके खून के आपने सेल्स को देखना है कि उनका साइज़ कैसा है, और उससे रेलिवेंट कुछ टेस्ट करने होते हैं। आपने खून की स्लाइड भी देखनी होती है कि उनकी शक्ल कैसी है, तो उसके मुताबिक आप मज़ीद ट्रीटमेंट और डायग्नोस्टिक करते हैं और उसके मुताबिक ट्रीट करते हैं। बड़ों में खून की कमी की ज़्यादातर वजह जो होती हैं वो मैन्युफैक्चरिंग के प्रॉब्लम्स होते हैं, जो कि बोन मैरो से रिलेटेड होते हैं, जैसे माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम हो गया या कोई और वजह हो गई, और बाज़ औक़ात ये किसी बड़ी बीमारी का की तरफ निशानदेही कर रहे होते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में एक और जो बड़ी कॉमन चीज़ें हैं जो एक्सक्लूसिवली क्लिनिकल हीमाटोलॉजिस्ट की डोमेन बनती है, वो प्लेटलेट्स हैं। प्लेटलेट्स का ज़्यादा होना या कम होना, दोनों जो हैं वो बेसिकली क्लिनिकल हीमाटोलॉजिस्ट की ओपिनियन की ज़रूरत ज़रूर होती है। इसमें अगेन ये अपने तौर पे बाज़ औक़ात किसी अंडरलाइन डिज़ीज़ की तरफ इशारा कर रहे होते हैं कि प्लेटलेट्स कम क्यों हो गए या ज़्यादा क्यों होंगे। दोनों सूरतों में एक क्लिनिकल हेमाटोलॉजिस्ट का ओपिनियन ज़रूर होता है। इसी तरह जो आपकी तीसरी सेल लीनिएज है, जिसको हम WBC कहते हैं या आम फहम ज़बान में सफ़ेद खून वाले सेल्स कहते हैं, उनका भी कम होना या ज़्यादा होना ये क्लिनिकल हेमाटोलॉजिस्ट की डोमेन है। ल्यूकेमिया, खून के जो कैंसर्स हैं अक्यूट और क्रोनिक, ये CML, CLL, अक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया, अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, ये सारे जो हैं ये क्लिनिकल हीमाटोलॉजिस्ट की डोमेन आती है। यानी कि खून के जितने भी कैंसर्स हैं, लिम्फोमा है, मल्टीपल माइलोमा है, खून का जमना, थ्रोम्बोसिस हो गया आपकी किसी भी जगह पर, वो क्लिनिकल हीमाटोलॉजिस्ट का ओपिनियन उसमें ज़रूरी है। खून का ज़्यादा बहना जो हीमोफीलियाज हैं या आपके थ्रम या आपके बाकी फैक्टर्स की डेफिशिएंसीज हैं, इन सब के लिए बेसिकली क्लिनिकल हीमाटोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है। क्लिनिकल हीमाटोलॉजिस्ट का जो डोमेन है, जो उसकी एक्सपर्टीज़ है, ये पाकिस्तान में रिलेटिवली नई फील्ड है। इसलिए मैं सोच रहा था कि ये वाला जो है वीडियो मैं आपको इसके बारे में ही रिकॉर्ड करवाऊँ कि आपको ये एक्सप्लेन कर दूँ कि इसकी जो एक्सपर्टीज़ होती हैं, ये आपके एक तो क्लिनिकली आपको देखेंगे, आपकी हिस्ट्री ली जाती है, इसकी लैब्स की इंटरप्रिटेशन होती है, इसके साथ आपकी जो स्लाइड्स बनाई जाती हैं खून की फॉर्म इसकी मॉर्फोलॉजी को, उसको रिव्यू किया जाता है, और फिर उससे रेलिवेंट आपको फर्दर टेस्ट और चीज़ें एडवाइस की जाती हैं।
ये जो हमने मैंने अपना सेंटर बनाया हुआ है, मैं दो जगहों पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, एक कायद आज़म हॉस्पिटल में और एक यू हेल्थ हॉस्पिटल में। कायद आज़म हॉस्पिटल जो है वो इस्लामाबाद में है, गोलरा मोड़ पे, और यू हेल्थ हॉस्पिटल गीगा मॉल के सामने जीटी रोड पे होता है। अगर आपने बुकिंग करनी है तो ओला टैक्सी के ज़रिए आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट्स बुक कर सकते हैं, और आई विल बी मोर देन हैप्पी टू सी यू पीपल। जज़ाकअल्लाह खैर।